अब खबरें उत्तराखंड की। छावनी परिषद की बैठक में विभिन्न मसलों पर चर्चा हुई। कैंट बोर्ड चुनाव के मद्देनजर एक दिन पहले महिला आरक्षित वार्डों के गैजेट नोटिफिकेशन का प्रस्ताव रक्षा मंत्रालय को भेजा गया। बैठक में छावनी क्षेत्र में निष्प्रयोज्य सामग्री की निविदाओं को भी स्वीकृति प्रदान की गई। कैंट बोर्ड अध्यक्ष कुमाऊं रेजिमेंट के कमांडर ब्रिगेडियर जीएस राठौर की अध्यक्षता में हुई बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक में चुनाव की तैयारियों को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। एक दिन पहले लॉटरी सिस्टम के माध्यम से वार्ड नंबर 3 और 7 को महिला आरक्षित वार्ड घोषित किया गया था। बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव आने के बाद इसका अब गैजेट नोटिफिकेशन होगा और इस दौरान क्षेत्र में निष्प्रयोज्य पड़ी सामग्री यानी कि कबाड़ जो होते हैं उन्हें निविदाओं को भी स्वीकृति प्रदान की गई।